तीन तलाक का जो संसद मुद्दा चल रहा है, इस पर आप क्या कहें? भाई, हमारा विचार तो ये है कि हिंदुस्तान में जिस तरह हर धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म के अनुसार आदमी को जीने की पूरी परमिशन होती है, ठीक उसी तरह हमारे मज़हब इस्लाम में हमारे शरीयत के अनुसार तीन तलाक का जो मसला है, जिस तरह ये बिल पेश किया गया है, वो कानून हम लोग इस बात पे सहमत नहीं है, क्योंकि हमारी शरीयत में मामलात कुछ और हैं और जो भी बात हमारे शरीयत के हिसाब से मान्य और सही होगी उस बात को हम मान करेंगे, अन्यथा हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं और भारतवासी हैं और भारत की हम सम्मान इज्जत करते हैं, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो हमारे मजहब इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, जिससे हम लोगों को कष्ट आहत हो, जिससे जी आहत नहीं होना चाहिए हम सब लोगों को। तो बीजेपी ये कहती है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो इसमें आप कितना सहमत हैं? अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन अधिकांश कुछ मामले ऐसे भी हैं जिन्होंने औरतों ने आदमियों को हैरेसमेंट किया है, ऐसी बात नहीं है। तो हमेशा औरत सही नहीं होती है, आदमी भी सही होते हैं, लेकिन चूँकि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ औरत को हमेशा अबला नारी कहा जाता है, ये बात किसी हद तक सही है, लेकिन पूर्णतः ये सही नहीं है। पूर्ण रूप से ये सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें आदमियों को औरतों ने बहुत हताश किया। नहीं, अब ये तो सब जो कर रही है, ये तो सर ऐसा है, देखिए सारे मामलात होते हैं वोट बैंकिंग वाले, क्योंकि इससे पहले मुसलमानों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया है, और अब चूँकि पूर्ण रूप से भाजपा सरकार बनी है और आने वाले फ्यूचर में एक इतनी प्लानिंग बनाई जा रही है कि मुसलमानों को अपनी तरफ किस कैसे अट्रैक्शन दिया जाए और उनको अपने से अटैच किया जाए, बस ये सब इनका प्लान हो सकता है। सब राजनीति है? यस सर, ये पॉलिटिक्स है, सभी राजनीति है। वोट बैंक के लिए कर रहे हैं? वोट बैंकिंग के लिए सारे कार्य हो रहे हैं, मुसलमानों को अपनी तरफ रुझाने के लिए ये सारे प्लान बनाए जा रहे हैं, और हम लोग जो हैं इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो इस बात को माने। हर वो बात मानी जाएगी जो जायज़ तरीके से होगी और हमारे देश में जो है सब लोगों पर लागू होती है, उस कानून का हम सम्मानेंगे, सम्मान करेंगे उसका। हमारे हिसाब से जो ये सही नहीं है और बहुत ही उन्होंने हमारे साथ जो है ज़ास्ती की है, जिस काम को उनको करना चाहिए वो काम तो वो करते नहीं हैं, ऐसे काम तलाशते हैं जिससे कि मुसलमानों को हैरेस किया जा सके, तो ये हमारे हिसाब से तो बहुत ही ख़राब है। इसलिए कि दीन के अंदर बहुत कुछ है गुंजाइश, ऐसा बात नहीं है, हमारे दीन ने दुनिया को सबक दिया है, औरतों को इज्जत दी है, ऐसा नहीं है कि है, अगर कुछ करना था तो आप बड़े जो मुसलमान आलिम लोग हैं उनसे बैठ करके मशवरा करते, उनसे कुछ करते, आप अपनी तरफ से बिल पेश कर रहे हैं और लोगों को हैरिस कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हो कि हम मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, क्या मुसलमानों का साथ दे रहे हैं? बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, एक कोई भी नौकरी तो नौकरी कोई लोन तक देने को तैयार नहीं है। हम 51 साल से इस होटल पर चाय बेच रहे और आज हम बीमारी की हालत में भी इस काम को कर रहे, तो इस तरफ तो कोई है नहीं, मगर सिर्फ वही है कि मुसलमान औरतों को कैसे क्या करा जाए, वोट कैसे हासिल किया जाए, तो ये तरीका गलत है। आज हाँ, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हाँ, ये कदम उठाया है हमने और किसी ने ये नहीं किया है, हाँ, क्योंकि उनके साथ जाति होती है। तो महिलाओं के साथ तो उससे भी ज़्यादा कर्म हो रहे हैं, दो दो तीन तीन साल के बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, सरकार क्या कर रही है उस बारे में कुछ सोचा उसने सरकार ने? सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए दिखाई दे रहा है तुमको कि मुसीबत में है, सोचो आप इस बात को। खुद हम प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात कहते हैं कि आप देखिए कि पूरे भारत के अंदर इस टाइम किस कदर जुल्म हो रहा है लड़कियों पर, हैं वहाँ तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मुसलमान की औरतों को आप इंसाफ दिलाने चले हैं, दिलाओ तो नौजवानों को इंसाफ दिला, जो तलाक का मसला आता वो ख़त्म हो जाएगा। आज बेकार है आदमी तो अपनी ज़रूरत को पूरे करने के लिए तमाम तरीके के रास्ते अख्तियार करता है। क्या मोदी, ये आपका कहने का मतलब मोदी ये जो है सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं? अब हम इस बारे में ज़्यादा इसलिए कुछ नहीं कहेंगे कि आजकल आदमी की बात पकड़ी जाती है, समझे साहब, अब वो जो उन्होंने रास्ता अख्तियार किया वो अच्छा नहीं है, बस सिर्फ इतना हम इस बारे में कहेंगे आपसे, ये रास्ता बिल्कुल ख़राब है और दीन को एक ऐसी उलझन में डाल देगा जो आने वाले वक्त में नौजवान भी परेशान होगा, वो लड़कियां भी परेशान होंगी जिनके लिए तलाक का मसला ये हल किया गया है। हम तो तीन तलाक के ख़िलाफ़ हैं, हम तो सात तलाक जो हमारे उलमा करेंगे वो होगा बस। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, बिल्कुल हो जाएगा, इसके तो हम खिलाफ़ है,
अत्याचार तो है ही। जब नाक नाक से बच्चे जब फिर रह जाएंगे बेकार इधर से उधर, जिस बच्चे और ना लड़के ना लड़कियाँ, तो उनके बारे में आप सोचिए कि इनको किस तरह से हम लाएँ रास्ते पर। इनके बारे में सोचिए आप कि तीन तलाक के आप बारे में घुस गए जाएंगे और ये और वो जे, तो सब बेकार की बात है, बेकार की बात बेकार की।